सर, आज हम बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर या हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक क्या होता है उसके बारे में। यदि किसी सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स ध्वनि में दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर अत्यल्प होता है या उसमें कोई क्षीण या सन्नादि वीक हार्मोनिक उपस्थित हो तो हम कानों द्वारा उनमें भेद नहीं कर पाते। इस प्रकार की सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित ऐसी आवृत्तियों का पता लगाने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद का उपयोग किया जाता है, जो अन्य स्वरों से उछेड़ते हुए अपनी स्वाभाविक आवृत्ति के निकट की स्वर आवृत्तियों की अभिग्रहण करके सी विभिष्ट कंपन के लिए तीक्ष्ण अनुनाद प्रदर्शित करता है और इस प्रकार यह दोनों ध्वनियों या उपस्थिति की पहचान एक साधन बन जाता है। इस चित्र में हमने हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक को बताया है। इसके कांच अथवा धातु का बना हुआ होता है। खोखला गोलाकार या बेलनाकार आकृति का बल्ब क्यू होता है। इसमें दो परस्पर अभिमुख ग्रीवाएँ या नेक बनी हुई होती है। दोनों ग्रीवाओं में से लंबी तथा चौड़ी ग्रीवा बी सम्मिश्र ध्वनि जिसका विश्लेषण करना हो उसको अभिग्रहण के लिए होता है तथा पतली एवं छोटी ग्रीवा सी अभिग्रहित तरंगों को पहचान करने के लिए कान में लगाने के लिए होता है। जब किसी सम्मिश्र ध्वनि उसके विश्लेषण करना है तो उस पर आपतित कराया जाता है तो उसके कारण नलिका या ग्रीवा बी के अंदर की वायु कंपन करने लगती है। अपति ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका बी में वायु की विस्थापन अंदर की ओर तथा विरलन के कारण विस्थापन बाहर की ओर होगा। यदि बी नलिका की लंबाई एल काट क्षेत्र ए तथा उसमें उपस्थित वायु की घनत्व रो है तो नलिका में भरी वायु का द्रव्यमान एम इज इक्वल टू ए एल रो होगा। यदि बी पर आपतित सम्मिश्र ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका वायु के अंदर की ओर विस्थापित एक्स हो तो बल क्यू के अंदर की वायु का आयतन में कमी डी वी इज इक्वल टू ए एक्स तथा वायु दाब में वृद्धि डी पी होगी। गैस के आयतन प्रत्यास्थ की परिभाषा से बल्ब क्यू में उपस्थित वायु की प्रत्यास्था E इज इक्वल टू प्रतिबल बाई आयतन विकृति, ये होता है डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई वी, जहाँ V बल्ब Q का आयतन है। डी पी इज इक्वल टू माइनस ई डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस ई ए एक्स बाई वी। बल्ब Q में दाब की इस वृद्धि के कारण नलिका B में उपस्थित M द्रव्यमान वायु पिस्टन पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा जिसका मान होगा F इज इक्वल टू डी पी ए इक्वल टू माइनस ई ए एक्स बाई वी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई ए स्क्वायर बाई वी इंटू एक्स। अतः वायु पिस्टन की गति का समीकरण होगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एफ इज इक्वल टू माइनस ई ए स्क्वायर बाई वी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ के इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर बाई वी बल नियतांक होता है। यहाँ के इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर बाई वी बल नियतांक एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो या ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम या टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा जीरो इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई ई ए स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू टू पाई डिवाइड बाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम वी बाई ई ए स्क्वायर तथा आवृत्ति एन इज इक्वल टू वन बाई टू पाई अंडर रूट के बाई एम इज इक्वल टू वन बाई टू पाई अंडर रूट ई ए स्क्वायर लेकिन एम इज इक्वल टू ए एल रो अथवा टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ए एल रो वी डिवाइड बाई ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल रो वी डिवाइड बाई ई ए एन इज इक्वल टू वन बाई टू पाई अंडर रूट ई ए डिवाइड बाई एल रो वी। वायु में ध्वनि का वेग सी होगा। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो। अब ध्वनि का वेग पदों में हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक होगा। टी इज इक्वल टू टू पाई बाई सी अंडर रूट एल वी बाई ए एन इज इक्वल टू सी बाई टू पाई अंडर रूट ए बाई एल वी। उपरोक्त समीकरण के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न ए एल तथा वी मानों के लिए भिन्न भिन्न आवृत्तियों में हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अनुनादक की एक निश्चित लाक्षणिक आवृत्ति होगी तथा यह आपतित सम्मिश्र ध्वनि से इस आवृत्ति पर अनुनादित होता है। इस प्रकार की आपतित सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित स्वरों का विश्लेषण तथा उनकी अपेक्षित तीव्रताओं का अनुमान कई हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक उपयोगों का किया जा सकता है। धन्यवाद।